दूसरा मेथड है सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से करा दे तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जैसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सी ओ टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच टू ओ कैल्शियम क्लोराइड प्लस एन ए टू सी ओ थ्री गिवस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एन ए सी एल एक्सेज कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा अगर ज़्यादा अमाउंट में या फिर ज़्यादा एक्सेस में सी ओ टू का पास कराते हैं तो उससे क्या होता है सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने लगता है ठीक है हमें बनाना था कैल्शियम कार्बोनेट लेकिन बन क्या जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इस वजह से एक्सेस सी टू को अवॉइड करना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट वाइट फ्लफ़ी पाउडर होता है ऑल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉलेबल होता है वाटर के अंदर जब इसको हीट किया जाता है टू अप टू ट्वेल्व हंड्रेड कैलविन तो ये डिकम्पोज हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है ये डायलूट एसिड के साथ रिएक्ट कर कर लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट की अगर रिएक्शन हम एसिड से कराते तो क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस एच टू और प्लस यो टू सेम उसी तरीके से एच टू से फोर के लिए साथ रिएक्शन जैसे एच सी एल की है यूजेज की बात करें तो इसका काम होता है बिल्डिंग मटेरियल में आ, इसका इस्तेमाल होता है बिल्डिंग मटेरियल में जैसे इन दी फॉर्म ऑफ मार्बल और इसका मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है जब क्विक लाइम की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी टू बनता है तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से तो कैल्शियम ऑक्साइड का के मैन्युफैक्चरिंग भी कैल्शियम uh, कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट एज ए फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जैसे आयरन मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो बेसिक बेसिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो इनका इस्तेमाल होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में अगर कोई भी इम्प्योरिटी जैसे साई ओ टू की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है एसिडिक ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है आ, हम और हमें मेटल बिल्कुल प्योर मेटल निकालना है तो उस केस में एसिडिक इम्प्योरिटी को निकालने के लिए बेसिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है ठीक है जैसे इसमें आयरन का एग्जाम्पल दे रखा है स्पेशली प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में इसको एज ए एंटी एसिड माइल्ड एब्रेसिव टूथपेस्ट के अंदर और चुंग गम का कंस्टिट्यूएंट होता है और कॉस्मेटिक की कॉस्मेटिक के अंदर फिलर का, का काम करता है कैल्शियम कार्बोनेट अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फ़ेट की या फिर प्लास्टर ऑफ पैरिस जो क्या है हाफ़ कैल्शियम सल्फ़ेट डॉट हाफ़ एच टू ये क्या है कैल्शियम सल्फ़ेट का हेमी हाइड्रेट है जैसे अगर कैल्शियम सल्फ़ेट का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो मॉलिक्यूल वाटर का होगा उसके अंदर हाफ होगा ठीक है जैसे कैल्शियम सल्फ़ेट अगर दो मॉलिक्यूल है तो दो का हाफ एक तो एक एच टू होगा उसके साथ ठीक है जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू कैल्शियम डॉट टू एच टू तो यहाँ पर क्या बन जाता है टू कैल्शियम डॉट एच टू दो मॉलिक्यूल के साथ एक एच टू आ जाता है प्लस थ्री एच टू बाहर निकल जाते हैं अब बात कर रहे हैं हम थ्री नाइन्टी थ्री कैलविन से अबव अगर हीट किया जाता है तो कोई भी क्रिस्टलाइजेशन का वाटर नहीं बचता है उस केस में एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डेट मीन्स कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ नहीं होगा और तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट उस केस में बनता है जब आउ ऑफ थ्री नाइन्टी थ्री कैलविन इसको हीट किया जाता है तो इस वाले केस में जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा उसको क्या कहते हैं डैड बर्न प्लास्टर इसके अंदर रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है वाटर के साथ सेट होने की और जब इसको मिक्स किया जाता है एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर के साथ ये क्या बना लेता है प्लास्टिक मास जो हार्ड सॉलिड बन जाता है विद इन फाइव टू फिफ्टीन मिनट यूज़ की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एज ए बिल्डिंग इंडस्ट्री में और एज़ वेल एज प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सबसे लार्जेस्ट यूज़ जो है पीओपी का वो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में है आजकल तो हम देखते भी हैं घर में कितना काम होता है पीओपी का और इसको डॉक्टर्स क्या करते हैं अगर किसी पेशेंट के कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई भी ऑर्गन है उस ऑर्गन वो ऑर्गन अफेक्टेड है तो उस अफेक्टेड पार्ट को या फिर अफेक्ट सॉरी ऑर्गन की नहीं अफेक्टेड पार्ट ऑफ दी ऑर्गन तो उस पार्ट को क्या करना पड़ेगा इमोबिलाइज करना पड़ेगा कि उसमें कोई भी मोबिलिटी ना हो तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस का इस्तेमाल करते हैं और उस पार्ट को जैसे हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में तो पूरा फिर प्लास्टर किया जाता है जिससे हाथ के अंदर कोई भी मोबिलिटी ना हो और आसानी से जो बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ है वो सेट हो जाए ठीक है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट्री में भी बोन फ्रैक्चर में ऑर्नामेंटल वर्क है इसका और साथ में क्या है स्टैचू और बस्ट में इसके अगर कास्ट बनाना है स्टैचू का तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि इसमें मेनली कंपोजिशन है तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का इसको ध्यान से पढ़ेगा एडल्ट बॉडी की बात करें तो उसके अंदर 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है 1200 कैल्शियम होता है कम्पेयर्ड विद 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर डेली रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी की एस्टिमेटेड 200 टू 300 मिलीग्राम सारे एंजाइम जो ए को यूटिलाइज़ करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफ़र के लिए फॉस्फेट ट्रांसफ़र में तो उन्हें मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है एज अ को तो मैग्नीशियम किसका काम करता है कोफेक्टर का काम का करता है सारे एंजाइम जिनको यूटि जो यूटिलाइज़ करते हैं ए को फॉस्फेट ट्रांसफर में उन्हें मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है एज अ को जो मेन पिगमेंट इन्वॉल्व है लाइट के एब्जॉपशन में तो वो प्लांट के अंदर वो क्या है क्लोरोफिल है और जिसके अंदर क्या है मैग्नीशियम प्रेजेंट है लगभग नाइन्टी बॉडी कैल्शियम जितना भी कैल्शियम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है लगभग 99% कैल्शियम बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इंटर न्यूरो ट्रांसमिशन में सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में और ब्लड को में ठीक है ये हो गया इसके काम कैल्शियम क्या, क्या क्या रोल करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सेल मेमरिन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोएगुलेशन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन अगर बात करें प्लाज्मा के अंदर कि कितनी कैल्शियम कॉन्सनट्रेशन होती है सॉरी uh, हाँ सॉरी कैल्शियम कॉन्सनट्रेशन की अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर इज़ रेगुलेटेड एट अबाउट हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर तो इसकी कॉन्सनट्रेशन दे रखी है कि प्लाज्मा के अंदर कितनी कितने अमाउंट होनी चाहिए तो हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर और इस इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन प्रेजेंट है एक कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन आर टू हार्मोन दैट रेगुलेट कैल्शियम कैल्शियम आयन लेवल इन दी प्लाज्मा क्या आप जानते हैं कि बोन इनर्ट नहीं होती और बल्कि ये एक अनचेंजिंग सब्सटेंस है जो कि कॉन्टीन्यूसली सॉलिबलाइज होता रहता है और रीडिपोजिट होता रहता है टू द एक्सटेंट ऑफ फोर मिलीग्राम पर डे इन मैन मतलब जो बोन एक्चुअल में हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में एक अनचेंज स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि क्या होता है बोन का रिजॉप्शन हो, होता रहता है उसका डीमिनरलाइजेशन होता रहता है और बाकी बनता भी रहता है तो ये एक ऐसी चीज़ है ऐसा नहीं है कि बोन इनर्ट है बल्कि वो क्या हो रही है चेंज होती रहती है और फिर बनती रहती है मतलब उसका डिपोजिशन भी, भी होता रहता है और बाद में डिपोजिशन भी होता रहता है ठीक है तो ये बात हुई कैल्शियम की सारा कैल्शियम जो है ऑल दिस कैल्शियम पासिस थ्रू प्लाज्मा और ये सारा कैल्शियम प्लामा से पास होता है तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता होता है फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के साथ